हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। तो आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा पीएलसी का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। कुछ आप लोगों ने अभी देखा है, कुछ चीज़ें समझी हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी बच गई हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया है कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करेगी? यहाँ पीएलसी कौन सा है? अभी पीएलसी की हम बात कर रहे हैं, तो पीएलसी कौन सा वाला है इसमें? ये वाला जो सिस्टम है इसको पीएलसी बोलते हैं। पीएलसी को और क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर। ये एक अपना मिनी कंप्यूटर है, ये भी हमें लोगों को पता है। थोड़ा बहुत हमें ये पता है क्लियर कि कैसे कैसे काम करता है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसका बेसिक फंडामेंटल कैसे है। इसका इनपुट आएगा सबसे पहले। हाँ इनपुट के बाद सर ये इसमें एक सर हमारा प्रोग्रामिंग लगा हुआ रहता है। वो सर हमारा जो हम कंप्यूटर से इसको कमांड करेंगे वो उसको पहले रीड करेगा, उसके बाद सर इससे आउटपुट निकाल के देगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इन्होंने बताया बिल्कुल सही है। देखो कोई भी चीज है, हम लोगों ने अभी रिले लॉजिक आप लोगों ने करके देखा, जैसे कॉन्टैक्टर वगैरह बनाया उसको हम बोलते हैं रिले लॉजिक। सब लोगों ने बना के देखा, समझ में भी आ गया। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या थी कि मेरे माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है। जैसे मैं वो आपको बोलूं भाई प्रोग्राम बनाना है, रेडियल स्टार्टर बनाना है। अभी जैसे लॉजिक उसमें क्या क्या देखा हमने, तीन चार पांच चीजें देखी हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले क्या होती है कि हमें ये पता है भाई कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, और इसके अंदर इस सिस्टम के थ्रू प्रोग्राम डलता है। अभी प्रोग्राम क्या होता है, लैडर लॉजिक के थ्रू एक कुछ प्रोग्राम होता है जो इसके थ्रू कनेक्ट करके हम इसमें डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर है और भी एक दो पोर्ट रहते हैं जिसके थ्रू इससे डाटा इसके अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले देखो कुछ बेसिक्स होती हैं जो आप लोगों को भी क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है एनओ एनसी क्या होता है, एक कॉन्टेक्टर है उसमें कैसे कनेक्शंस करते हैं, क्या रहता है, A1 A2 क्या है, बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें हैं हमारी पेंडिंग भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले भाई इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। हमने जो प्रोग्राम बनाया वो इसके अंदर हमने बना दिया, फिर उस प्रोग्राम को इसी के अंदर रन करा के देखते हैं। इसके अंदर नहीं डालता है, पहले कोई एरर तो नहीं है। जैसे भाई हम लोगों ने स्टार्टर बनाया, स्टार्टर बना के सीधा नहीं यार सीधा बन गया, पहले तो उसको चला के देखेंगे भाई ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके साथ मोटर कनेक्ट करके देखा, हाँ भी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरह करके स्टेप्स होते हैं अपने। तो उसी तरह इसमें भी होता है, हम अपने सिस्टम में प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन करते हैं उनको हम सेमुलेटर देते हैं, यहाँ पर भी सेमुलेटर रहता है। उसमें क्या रहता है कि जैसे पीएलसी में चल रहा है ना भाई, इसको ऑन करने पे वहां आगे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे स्टार्टर को चलाने से पहले, हम पावर देने से पहले हम कनेक्ट करके देखते हैं, अरे टेस्टर से कहाँ कहाँ करंट जा रहा है हमारा। तो उसी तरह इसमें दिख जाता है हमें कि सप्लाई हमारी कहाँ जा रही है, कहाँ ब्रेक हो रही है। अभी देखो स्टार्टर तो बहुत छोटा सिस्टम है, हम बात करते हैं बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बीसों सेंसर लगे हैं, बहुत लंबा प्रोग्राम है। यार कहीं गड़बड़ हो गया, अब कहाँ से ढूंढेंगे क्या पता। हम फिर अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं पीएलसी से, उसमें हमें एरर शो हो जाता है कि भाई हमारी कहाँ पर रुक रही है, क्या चीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस तरह करके सिस्टम हमारा होता है। भाई ये हमने एक पीएलसी तो ले ली, बट पीएलसी दो तरह की अपनी रहती है। एक तो डायरेक्ट सप्लाई हम देते हैं, एसएमपीएससी के अंदर होता है, बट बहुत सारी के अंदर अलग से देना पड़ता है। जैसे इसमें हमने अलग से इसको पावर सप्लाई दी है, हमने इसको लाइन और न्यूट्रल दे दिया, यहां से हमें डीसी सप्लाई अपने को मिली हुई है। अभी इसके अंदर बात करें ये क्या चीज है, रिले है। हमने आज से पहले हम लोगों ने इस तरह की रिले देखी नहीं थी, अभी देखेंगे। अरे पता नहीं क्या है यार, ये तो कंप्यूटर जैसा लग रहा है। एक बार जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को जो कनेक्शन कर रहे थे, इवन ड्यूल के स्टार्ट कनेक्शन ही अब कितने इजी लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं ना। तो उसी तरह अभी पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कोई किसी ने हमें बताया नहीं है। तो भाई हमें हम कोई भी चीज है, जैसे मैं एक लाइट ऑन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, बटन दबा रहा हूं और कनेक्शन की सप्लाई हमारी जा रही है। तो उसी तरह इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। हमने एक लॉजिक बना दिया, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे बटन लगाए हैं, तो मैंने कुछ बनाया कि जैसे ही लिमिट स्विच को ये कोई भी सिस्टम ऐसे पुश करे तो इस तरह हो जाए,
लॉजिक होता है ना वो इसी तरह होता है। अब जैसे मैं इस बटन को दबाऊं तो इस तरह ये चीज ऑपरेट होने लग जाए, जैसे हम बटन दबाते हैं तो जो कमांड होती है हमारी इसमें आती है, इसमें हमारी दो चीज होती है, दो चीज होती है, इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कमांड देंगे, कुछ भी इसको आउटपुट देंगे, आउटपुट देंगे तभी तो हमें इनपुट मिलेगा। जो हम आउटपुट देंगे वो इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना उन पे जाएगा और उसी के हिसाब से ये इसको पता लग जाएगा और ये चीज बोला है उसने तो वही चीज फिर आउटपुट में हमारी निकाल देगी। तो काफी इजी है, काफी आसान है अगर हम इसको थोड़ा फोकसली देखें भाई चीजें कैसी हैं। तो चीजें बहुत मजेदार है, पीएलसी का काम सीखना ना बहुत मजेदार काम है और जब हम लोगों को आता है ना, जब हम इसमें घुसते हैं तो बेनिफिट हमें जरूर होता है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप देखते हैं भाई कहीं पर आप गए, अरे भाई पीएलसी है, आपके सीवी में लिखा है भाई पीएलसी में क्या था, सर प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, मैंने 2-4-5 प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं, ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये जो सेंसर होता है सर देखो ये कन्वेयर बेल्ट है, ये सेंसर होता है सर, इसमें कन्वेयर का प्रोजेक्ट बनाया था, ये ऐसे काम करता है सर, ये रिले होती है, ये रिले इस तरह काम करती है, ये इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ती है डेफिनेटली। और दूसरा पॉइंट हम बात करें फ्यूचर क्या है दोस्तों, फ्यूचर डेफिनेटली ऑटोमेशन है। और आज ही हम थोड़ा सा माइंड उसकी तरफ करेंगे ना भाई, आज ही समझना चालू करेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, यहाँ समझा थोड़ा हमने जॉब करने के, वहां समझा थोड़ा, जब प्रॉब्लम आई जब समझा, तो क्या हो गया ना वो नॉलेज इकट्ठी होगी और रिजल्ट अपने को बेटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सप्लाई आ गई भाई, देखो हमारे पास इनपुट सप्लाई आ गई, हमने इससे यहाँ पर ये दोनों दे दिया, SMPS से इसके अंदर चली गई, इससे हमने रिले को ऑपरेट कराया है। अभी रिले को क्यों ऑपरेट कराया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कनेक्शन मुझे मिल जाते हैं, बहुत सारे NONC मेरे को मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। और एक मैं डायरेक्ट अगर कोई भी सिस्टम चलाऊंगा तो डायरेक्ट लोड किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। अब मैंने इससे खाली छोटी सी रिले को ऑपरेट करा रहा हूँ, जो लोड पड़ेगा ना इस रिले के ऊपर पड़ेगा। ये ग्लास रिले होती है, हम बहुत सारी जगह हम ग्लास रिले का यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर्स हैं हमने यूज किए ही हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला कॉन्टेक्टर में क्या हो रखा है, ये कॉन्टेक्टर में कैसे, ये कॉन्टेक्टर चल जाएगा ऐसे क्या है, देखो इसमें होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, क्या चल जाएगा ये पीएलसी में ना, कोई होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ करता है। अब मैं यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर बना दूं और कहूं यार इसमें तो टाइमर नहीं लगा रखा भाई, बिना टाइमर के, ये तो सर बिना टाइमर का है सर, स्टार डेल्टा नहीं है सर, क्योंकि हमें ये पता है कि सर टाइमर होना चाहिए, बट पीएलसी में इस सिस्टम के अंदर ही सब कुछ है। बट कुछ चीजें तो हैं जैसे इसके अंदर सर ये वाला सेंसर भी इसके अंदर है, नहीं दोस्त ये तो फिजिकल चीज है, जैसे ये बटन है ये फिजिकल है, ये लिमिट स्विच फिजिकल है, कुछ चीजें फिजिकल होती हैं, तो फिजिकल उसी तरह से काम करेगा। जैसे हम आप लोग कई बार फैक्ट्रियों में देखते हैं कि भाई कोई भी सिस्टम है वो चल रहा है, जो कोई चीज रिजेक्ट होती है वो मशीन उसको हटा देती है, भाई किसी चीज में मेटल चला गया, ओवरवेट चला गया, एक्स्ट्रा साइज चला गया, तो वो सारी चीजें देखो पहले हमें क्या करना होता है ना, हमें सोचना होता है क्या करना है भाई इतना बड़ा है, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम हमें बनाने पड़ते हैं, हाँ भाई ये रहेगा इस कंडीशन में फिर ऐसे होगा, फिर उन प्रोग्राम्स को आपस में मर्ज करना होता है, तो रिजल्ट हमारा बड़ा फंडामेंटल है, अगर उसके बारे में हमें क्लियर हो जाने चीजें तो समझो कि हमारी लाइफ बदल जाएगी। अभी कई सारे कहते हैं, मैं कहूँ खाली पीएलसी से नहीं दोस्त, खाली पीएलसी से भी नहीं होगा भाई, मुझे खाली पीएलसी पता है तो भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे मुझे भाई, मेरा जो कोर है उसके बारे में अच्छी तरह की नॉलेज होनी चाहिए। आप यूं सोचिए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आप एक बंदे को लेने जा रहे हैं, एक ये बंदा है एक ये बंदा है, इस बंदे को नॉलेज है खाली पीएलसी की, ये कहता सर आई नो अबाउट पीएलसी, आई नो अबाउट LT ST ट्रांसफॉर्मर रिले लॉजिक एंड एवरीथिंग आई नो, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं बोलूंगा ये कह रहा है सर मैं तो 25,000 में भी काम कर लूंगा, ये कह रहा नहीं सर मैं तो 30,000 लूंगा, मैं सोचूंगा मैं भाई चलो 5,000 ज्यादा दे रहे हैं, ये तो ज्यादा काम आ जाएगा मेरे को। हर जगह मल्टी स्किल का जमाना है दोस्त, ठीक है, देखो बहुत बड़ा जैसे पूरा प्रोग्राम करना है उसके लिए तो वो वेंडरशिप देकर रखते हैं, आपको सब कुछ नहीं करना, आपको देखो मेंटेन करना है, छोटे मोटे फॉल्ट आएंगे उन सबको देखना है, कोई बहुत मेजर फॉल्ट होगा ना उसके लिए एक स्पेशल टीम एक्सपर्टाइजेशन टीम होती है जो उस उन सब चीजों को देखती है।
तो ये छोटी छोटी करके हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच जाती हैं। देखो हमारे एक और स्टूडेंट हमारे आ गए हैं, तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा इधर आइए आप और थोड़ा सा पीएलसी के बारे में बताइए, क्या कुछ सीखा है आपने? आपकी क्लास ज्यादा दिन चलते चलते हो गई है। आ जाइए आ जाइए, आज के उसके ऊपर फोकस करो थोड़ा सा। देखो सर मार रहा है, ये टोपी लगा रखी है भैया इसने, ज्यादा फोकस मत करना है इसके ऊपर, ठीक है? इसके धुन चेहरे को ब्लर कर देना, ठीक है? ये थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या सीखा आपने पीएलसी में, क्या सीखा? इसको इधर लगा देते हैं आपके, कि ये बताओ कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है पीएलसी? अभी आपने एक दो प्रोग्राम बनाए हैं। यस सर, पीएलसी देखिए, अभी सर मैं अभी तो ड्यूअल बनाया हूँ। ड्यूअल के बाद चला है ड्यूअल तक मेरा, अभी उसके आगे कुछ इंटरलॉकिंग हुआ है, इंटरलॉकिंग वगैरह बन रही है। इंटरलॉकिंग तक चला हूँ सर। पीएलसी जो है ना, आरएलसी से जानिए कि बहुत आसान है। हाँ, क्योंकि आरएलसी में बहुत तामझाम है, बस इसमें सर मेन लॉजिक ही है, लॉजिक बनाना आ गया तो आराम है कितने बस। दिन में आपको लॉजिक बनाना आ गया? मेरे अनुसार अभी लॉजिक दिन नहीं कहेंगे हम, घंटे कहेंगे। लॉजिक सर यही मान लीजिए मुश्किल 1.5 हफ्ता हुआ, डेढ़ हफ्ता हो, कितने घंटे हुए 1.5 हफ्ते में? घंटे की बात करें तो हम घंटे के सर डेली 1 घंटा बस चलता था क्लास बस। ओके। तो यानी कि 8 घंटे में, देखो दोस्त इनकी काफी कंफ्यूजन है। उन्होंने अपने एक, मैंने भी देखा है, 2-3 प्रोग्राम कल बना रहे थे आप, कि इस बटन को दबाने से ये होगा, ये इंडिकेटर हाँ जल रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, यस तो सर, बहुत सारी चीजें हैं। और जिस दिन ये आए थे, जिस दिन आप आए थे, आपका क्या डिसीजन था कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है? पीएलसी, पीएलसी मैं पीएलसी के लिए सर आया था, के लिए आए थे। एडमिशन के लिए किया। तो अभी फिर आपने कौन सा कोर्स लिया और क्यों चेंज किया वो? मैं सर पीएलसी तो लिया, इसके साथ इलेक्ट्रो भी लिया। इलेक्ट्रो हाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो इसलिए लिया कि जैसे वो भी रहेगा, आरएलसी भी तैयार रहेगा हमारा, पैनल के बारे में, डीजी सीजी ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके बाद ये साथ में रहेगा, एग्रीमेंट ज्यादा होगा इसलिए। आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ, आउटपुट के लिए। तो देखो कई बार ना हम लोग यही डिसीजन लेने में कर देते हैं गड़बड़, कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं ना, 30-30, 35-40, 40 हजार रुपए खाली पीएलसी के नाम पर लेते हैं, फिर कहेंगे जॉब प्लेसमेंट करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा बताएंगे जी, कोई कुछ नहीं होता है। बट हम लोग, ये उस दिन आए, इन्होंने बात किया, मैंने इनको समझाया कि भाई इस तरह करो, तो इनको आई समझ में। और मैं कह रहा हूँ 100% जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी वही कहूंगा, भाई टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं है, आओ देखो और समझो। आप में से कोई कुछ कुछ पूछना चाहता है मेरे से पूछ सकता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पीएलसी, मैं पहले ही बता देता हूं, मुश्किल क्वेश्चन मत पूछना। ये कंपोनेंट समझ समझ में, ये अपना वीएफडी है, ये यस बेसिक, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। एक वो पीएल